आपने लेयर्ड वास्तु की बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि हमने एंट्रेंस को बहुत प्रेफरेंस दी है, या यूँ कहे पहली प्रेफरेंस ही एंट्रेंस को है, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक योर फेस विच रिप्रेजेंट्स योर बॉडी। सबसे पहले जो जिस पे नज़र पड़ती है घर में घुसते ही, वो है आपका एंट्रेंस डोर। और आपका एंट्रेंस जो है ना, वो बहुत कुछ इस घर में रहने वाले लोगों के या ड्वेलर्स के बारे में बता देता है। और वैसे भी वास्तु के अनुसार अगर आपकी एंट्रेंस पॉजिटिव है तो बहुत सारे वास्तु दोषों से आप बच सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत इजी तरीके से समझेंगे, ग्राफिक्स के माध्यम से मैंने कोशिश करी है समझाने की कि किस तरीके से एंट्रेंसेस बनानी चाहिए। आपका घर किसी भी दिशा का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी एंट्रेंस पॉजिटिव है तो इट कैन बी डेफिनेटली प्रॉस्पेरस फॉर यू। नमस्कार, मैं वास्तु कंसल्टेंट सीमा भाटिया आज फिर से एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, ताकि आप सभी इससे बेनिफिट ले पाएँ और समझ पाएँ कि एक्चुअल में एंट्रेंस जब हम बात कर रहे हैं तो वो कौन सी है। एक्चुअली होता क्या है कि जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो मेन गेट है, जो हमारा बाउंड्री गेट है, वो हमें उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही प्लान करना पड़ता है। लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ आपके एंट्रेंस डोर की। जब आपने अपना कंपाउंड वॉल का गेट अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स मैनेज कर लिया, तो यू कैन नाउ हैव अ चॉइस टू प्लान योर एंट्रेंस गेट, एंड डेफिनेटली इट शुड बी इन पॉजिटिव जोन्स। तो हम समझते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जब हम वास्तु में ग्रिडिंग करते हैं आपके स्पेस की, चाहे वो कमर्शियल है चाहे रेजिडेंशियल है, हम उसे 16 दिशाओं में विभाजित करते हैं। और हर दिशा में, चाहे वो नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, हर जगह आपको कम से कम 2 जोन्स ऐसे मिलते हैं जो कि पॉजिटिव हैं। जोन्स नहीं, यहाँ मैं कहूँगी नंबर ऑफ गेट्स। अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें N1 से लेकर W8 तक, यानी N1 से N8 नॉर्थ में, E1 से E8 ईस्ट में, S1 से S8 साउथ में, और W1 से W8 वेस्ट में मिलता है। तो हर दिशा में हमें 8 गेट मिलते हैं, और इन हर दिशा के 8 में से आपको 2 पार्ट का चुनाव करना है अपनी एंट्रेंस को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो आइए हम समझते हैं विजुअल्स के थ्रू कि मैं किस तरह की डायरेक्शंस की बात कर रही हूँ। और हमेशा याद रखिए, अगर आपकी एंट्रेंस पॉजिटिव है ना, तो आपकी लाइफ प्रॉस्पेरस है। फिर भी अगर आप किसी वजह से इन दिशाओं में नहीं बना पाते हैं, तो एक तो ना अपनी एंट्रेंस को बैलेंस कीजिए और इन दिशाओं में एक गेट और खोलने की कोशिश कीजिए। चलिए समझते हैं कि कैसे हमें दिशाओं का निर्धारण करना है। फॉर इंस्टेंस, ये आपका एक घर है, इस घर में आप देख रहे हैं सबसे ऊपर ईस्ट की दिशा है, देन साउथ है, यहाँ ईस्ट के जस्ट ऑपोजिट वेस्ट है, देन नॉर्थ है। अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग है तो आपने क्या करना है, आपका जैसे मैंने बोला कंपाउंड गेट तो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स बनेगा, वो भी कोशिश हम कर सकते हैं ग्रिडिंग के अकॉर्डिंग पॉजिटिव जोन में आ जाए तो इट्स गुड, अदरवाइज वी कैन बैलेंस इट विथ सिंपल रेमेडीज़। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपकी एंट्रेंस के, आपके मेन गेट के बारे में, एंट्रेंस डोर के बारे में। अब जैसे कि ईस्ट की अगर हम बात करें, तो आप देख रहे हैं ईस्ट जहाँ लिखा हुआ है उसमें E4 और E5 आ रहा है, तो यहाँ पे हमें E4 ले सकते हैं हम ईस्ट के, E4 के। अब लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये आपका लिखा हुआ आएगा यहाँ पर E3, तो E3 और E4 हो गया हमारा ईस्ट में, आपने यहाँ पर एंट्रेंस जोड़ लेना है। इसी तरीके से हम बात करें अगर साउथ की, तो आपने साउथ में S3 और S4 लेना है। ये हमें मिलते कैसे हैं, जब हम हमारा जो ये ग्रिडिंग टूल है इसको आपके घर के नक्शे पर, एंट्रेंस घर के नक्शे पर सेंटर में रखते हैं, तो हमें ये सभी 16 दिशाएं मिल जाती हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने काम को डॉक्यूमेंटेड कराइए, अपने पास ये ग्रिडिंग रखिए, ऐसे ही बार चार्ट होता है और आगे ग्रिडिंग्स यूज़ होती हैं। लेकिन हम यहाँ सिर्फ एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, तो वी नीड टू फोकस ओनली एंट्रेंस। ये आप देख रहे हैं ना, अगर हम E1 से देखें तो E1 से करते करते वापस घूम के जब हम N8 पर आते हैं, लेकिन हमने डोर चूज़ करना है E3-4 का, देन S3-S4 का, देन हमारा ये डोर आएगा W3 एंड W4 का,
और नॉर्थ में अगर हम बात करते हैं ऐसे ही N3 एंड N4 का होता क्या है, हम जनरली बोलते हैं कि बस हमारा घर नॉर्थ की दिशा का है तो इसका मतलब सब कुछ हो गया, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये ग्रीडिंग आ गई हमारे पास, अभी तो हमने वो ग्रीडिंग एक घर के ऊपर लगाई हुई थी। अब आप यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को ले लेती हूँ, ये रहा नॉर्थ ईस्ट हमारा, देख रहे हैं आप ये नॉर्थ ईस्ट। अब अगर नॉर्थ ईस्ट से हम स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ईवन आ गया हमारे पास, ईवन आ गया E2, E3, E4, ऐसे करते करते E8। आप ये पोर्शन देख रहे हैं E1 से लेकर E8 तक का एरिया, ये ईस्ट का होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं एस पे, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, ये पूरा आपका साउथ का एरिया कहलाता है। देन अगर हम W1 से शुरू करके W8 तक जाते हैं तो ये आपका पूरा वेस्ट है, और ऐसे ही N1 से लेकर N8 तक आपका पूरा नॉर्थ है। जब हम कहते हैं हमारा घर नॉर्थ फेसिंग है, और अगर आपकी एंट्रेंस जो है वो N6 N7 में आ गई, तो नॉर्थ फेसिंग होने के बावजूद भी आपको प्रॉपर उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक कि आपका डोर N3 और N4 में नहीं होगा। ऐसे ही ईस्ट के बेनिफिट लेने के लिए आप डोर E3 और E4 में रखिए, साउथ का बेनिफिट लेने के लिए S3, S4, और वेस्ट का बेनिफिट लेने के लिए W3 और W4। अगर आप फिर भी किसी वजह से यहाँ पे डोर नहीं दे पाते हैं तो एक जो डोर रखना है उसके साथ साथ एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कीजिए कि इन जोन्स में आपको चाहे एक छोटा दरवाज़ा मिल जाए लेकिन आपने वो यूज़ करना है। और अगर एंट्रेंस डोर आपका पॉजिटिव जोन में नहीं आ रहा तो दोबारा से आई थिंक इट्स अ वर्थ रिपीटिंग कि हमें उसे बैलेंसिंग की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश करी आपको ये क्लैरिटी देने के लिए कि आपका घर किसी भी दिशा का हो लेकिन आपने जो एंट्रेंस है वो यहीं पर रखनी है। अब अगर हम बात करते हैं एंट्रेंस लेने के बाद, अभी जैसे आप देख सकते हैं मैं अपने एंट्रेंस डोर पर खड़ी हूँ और मैंने कोशिश की है इस एंट्रेंस डोर को पॉजिटिव जोन में लेने के लिए, और मुझे इसका मटेरियल, इसके कलर का चुनाव भी इसी अकॉर्डिंग करना है। अगर आपका साउथ का गेट S3 S4 में नहीं है और बाकी साउथ के किसी जोन में, जैसे कि हमने S1 S8 में समझा, नहीं आता है तो आप उसको रेड टेप से या फिर यहाँ पर कॉपर एलिमेंट यूज़ होगा उससे बैलेंस करेंगे। ऐसे ही अगर आपको वेस्ट में W3 W4 गेट नहीं मिल रहा और W1 से W8 तक कोई अलग दरवाज़ा मिल रहा है तो आप वहाँ पे आयरन मेटल या वाइट टेप को बैलेंस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एज वेल एज नॉर्थ की बात करें तो अगर नॉर्थ में आपको N3 N4 नहीं मिल रहा तो आप ब्लू टेप या एल्यूमिनियम का यूज़ करके उस डोर को बैलेंस कर सकते हैं जो कि पॉजिटिव नहीं है। ईस्ट की अगर हम बात करें तो अगर E3 E4 नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर सिंपल रेमेडीज विच आर ग्रीन टेप एंड SS मेटल। तो इस तरीके से आपने बैलेंस करना है और एंट्रेंस डोर का बेनिफिट लेना है। एंट्रेंस डोर के साथ साथ ना अपने एंट्री गेट पे हमने बहुत एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई है, समझिए कि आप अपनी एंट्रेंस पे पॉजिटिविटी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है आज की ये वीडियो आप सभी के काम की होगी और आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जब हम बात करते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट या वेस्ट तो एक्चुअल में हम उन दिशाओं के बेनिफिट तभी ले पाएंगे जब हम एक प्रॉपर एंट्रेंस को यूज़ कर पाते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आर वीडियोस। और आपके सजेशंस तो हमेशा ही हम वेलकम करते हैं, उनका वेट करते हैं उनका। सो स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर, बाय बाय।